नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। और दोस्तों, आज तक हम बात कर रहे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा एग्जैक्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और कितना इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। एग्जैक्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। अगर अब तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के सभी का लिंक दिया हूं। सबसे पहले आप जाके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो आप अब समझेंगे एग्जैक्टली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हमारे बॉडी में इनका इंपॉर्टेंस कितना है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली माइक्रो मींस स्मॉल, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमारे बॉडी को, उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए हमें एक अच्छे डाइट के थ्रू अपने बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स देने होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें कोई कैलोरी नहीं देते, हमें कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारे बॉडी के ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। एग्जैक्टली विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय प्लांट एंड एनिमल। विटामिन हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। एग्जैक्टली विटामिन को अगर हम समझने का ट्राई करें तो विटा मींस लाइफ एंड माइंस मींस एसेंशियल। विटा मींस लाइफ, माइंस मींस एसेंशियल, एसेंशियल फॉर लाइफ। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरत होते हैं, हम उनको बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हम विटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड सेकेंड इज अ वॉटर सॉल्युबल विटामिन्स। पहला जो फैट में डिजोल्व होता है और दूसरा जो वॉटर में डिजोल्व होता है। तो पहले हम समझेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे इनका नाम है, ऐसे विटामिन्स जो फैट में डिजोल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट के थ्रू डिजोल्व होके हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। और मैं आपको बताऊं, फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के फैट टिश्यू में स्टोर हो सकते हैं लंबे समय तक। इसकी वजह से अगर हम रेगुलर बेसिस पे फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं लेते हैं तो भी चलता है, क्योंकि जो हमारे फैट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, अगर हमारे बॉडी को जरूरत होती है तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है एज अ फैटी एसिड। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हमें ज्यादा फैट लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो विटामिन्स फैट में होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फैट आप कम कर सके तो उतना अच्छा है, और अगर गुड फैट लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब एक चीज और समझिए कि कितने टाइप्स के फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। एग्जैक्टली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये चार ऐसे विटामिन्स होते हैं जो फैट में डिजोल्व होके हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि एग्जैक्टली विटामिन ए का क्या इंपॉर्टेंस है, विटामिन डी, ई और के का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। अभी आप समझिए, विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों के विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत से लोगों को अंधेरे में दिखने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप समझ लीजिए कि विटामिन ए की शायद उनको कमी ज्यादा होगा।
विटामिन ए से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अगर आप विटामिन ए एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन ए से बॉडी ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। हेयर ग्रोथ, बहुत से लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, तो आप समझ सकते हैं अगर किसी किसी में ये ज्यादा होता है तो विटामिन ए लेने की जरूरत है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विटामिन ए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो किन किन चीजों से पाया जाता है ये मैं स्लाइड में आपको बता दे रहा हूं, आप वीडियो रोक के स्लाइड में जो जो सोर्स, जो जो फूड मैं बता रहा हूं वो आप लिख के उन चीजों से ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं हर एक विटामिन के जो सोर्स है वो बताने वाला हूं। तो विटामिन ए का आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। एग्जैक्टली विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को जो मेंटेन करने का काम करता है वो विटामिन डी करता है। हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम विटामिन डी करता है। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम रेगुलेशन के लिए भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी लेना चाहिए। कितना क्या लेना चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छे से आपको दे दूंगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। एग्जैक्टली विटामिन ई इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाने का ट्राई करता है, और विटामिन ई हमारे फैटी एसिड्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम विटामिन ई को ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये ब्लड थिनर का भी काम करता है। अब हम नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विटामिन के। एग्जैक्टली विटामिन के भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो ब्लड बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, तो ये एक संकेत है विटामिन के की कमी की। तो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। एग्जैक्टली ऐसे विटामिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। और इसके बारे में बताऊं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। अगर हम इनको ज्यादा क्वांटिटी में भी लेते हैं तो ये हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं ये हमें रेगुलर इंटरवल पे लेना चाहिए। आप बोल सकते हैं हमें ये रोज लेना चाहिए। और जो ये विटामिन होते हैं ये हमें गुड डाइट के थ्रू लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली देर आर 9 टाइप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और इनको अगर मैं इनको बताऊं तो विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, अगेन B9 एंड B12, एंड आफ्टर दैट विटामिन C। तो ये 9 तरीके के वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में, इम्यून सिस्टम में और ब्लड कोटिंग में। तो अभी तक मैंने आपको सभी विटामिन के बारे में बताया है। ये किन किन चीजों से मिलते हैं ये सब का मैं जो सोर्स है अपने स्लाइड में दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी बताया हूं मैं किन किन चीजों से विटामिन मिलते हैं। तो विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी फंक्शन में। हर एक इंसान को कितना चाहिए इसका मैं चार्ट दे रहा हूं, आपको अच्छे से देखना है, और आप में जो कमी होगी उसके हिसाब से आपको विटामिन लेने हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सभी विटामिन हमें एक ही खाने से नहीं मिल सकता, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड डाइट लेना होता है, जिससे हम अपने शरीर के विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन समझ में आ गया होगा आप सभी को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर नथिंग बट दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें अर्थ
एंड वाटर से मिलते हैं। वैसे तो मिनरल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोर देन 4000, लेकिन हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मैक्रो मिनरल्स, दूसरा हो गया ट्रेस एलिमेंट और माइक्रो मिनरल्स। जैसे कि आयोडीन हो गया, जो हमें एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए रहता है, और जो हमें रेगुलर और ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है उनमें से होता है कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब चीजें हमें चाहिए होते हैं। और एग्जैक्टली मिनरल्स को हम मेनली तीन कारणों से लेते हैं, तीन मेन रीजन है जिससे हमें मिनरल चाहिए होते हैं। पहला, मिनरल क्या करता है, हमारे बोन और टीथ को स्ट्रांग करता है। सेकेंड, मिनरल्स हमारे बॉडी के सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड फ्लूइड को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और तीसरा, हम जो खाते हैं खाना, जो हम फूड लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी मिनरल्स हेल्प करता है। तो हर एक चीज का इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस मात्रा में लेना चाहिए आपका, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। तो अब मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बता दिया है, अब आपको पता भी चल गया होगा एग्जैक्टली कितने अमाउंट में चाहिए मिनरल्स या विटामिन इनका। इसका मैं आपको स्लाइड में बना के दिया हूं, आप वीडियो के ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे मेल पे सेंड कर सकते हैं आपके डाउट, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपका मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप एक बैलेंस मात्रा में हर चीजें लीजिए जिससे आपकी सेहत लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ अच्छा रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हमें सेहत अच्छा करना है तो हर एक चीज को लगातार मेंटेन करके चलना होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि एक दिन आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो बैलेंस मात्रा में खाइए, जितना आपकी शरीर की जरूरत है उसके हिसाब से राइट टाइम पे खाइए। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि कौन सी चीजें आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। तो अब आपको नॉलेज हो गया, इसको अप्लाई कीजिए। जब तक आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे अपने, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सभी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और बेहतर वीडियोस आने वाले हैं। वेट लॉस बहुत बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं, एग्जैक्टली आपको एक बैलेंस डाइट क्या होगा आपके हेल्थ के हिसाब से, ये सब भी बताने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।